दिल्ली में आज सुबह से रामलीला मैदान को लेकर राजनीति हो रही है। बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को पहले हवा दी गई और फिर विवाद हुआ तो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सामने आ गए और कह दिया कि राम हमारे आदर्श हैं, लिहाजा रामलीला मैदान के नाम से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। भगवान राम के चारों ओर दिख रही ये तस्वीरें दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान की हैं। ये वही रामलीला मैदान है जहां अन्ना हजारे ने साल 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका था। साल 2011 में ही कांग्रेस की सरकार के वक्त काले धन के खिलाफ आंदोलन कर रहे बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर लाठी चार्ज हुआ था और साल 2013 में दिल्ली में 49 दिन की सरकार बनाने वाले केजरीवाल ने इसी मैदान में शपथ ली थी। इसके साथ ही साल 1930 से हर साल इस रामलीला मैदान में रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई का त्योहार मनाया जाता है। गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने से लेकर अब तक देश की कई बड़ी राजनीतिक घटनाओं के गवाह रहे इस मैदान पर उस वक्त सियासत शुरू हो गई जब दिल्ली बीजेपी के नेता आशीष सूद ने एबीपी न्यूज से कहा कि 30 अगस्त को रामलीला मैदान का नाम बदलने का प्रस्ताव लाया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी रामलीला मैदान रखने का प्रपोजल नगर निगम 21 तारीख की बैठक में लेकर आने वाला है। इस खबर के फैलते ही दिल्ली की सियासत में महाभारत शुरू हो गई और बीजेपी के खिलाफ मौके की तलाश में रहने वाले विरोधी बीजेपी पर बरसने लगे। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट किया, रामलीला मैदान इत्यादि के नाम बदलकर अटल जी के नाम पर रखने से वोट नहीं मिलेंगे। बीजेपी को प्रधानमंत्री जी का नाम बदल देना चाहिए, तब शायद कुछ वोट मिल जाए, क्योंकि अब उनके अपने नाम पर तो लोग वोट नहीं दे रहे। राम के नाम पर विरोध की राजनीति शुरू होने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने साफ कहा है कि दिल्ली के इस ऐतिहासिक मैदान का नाम बदलने का सवाल ही नहीं उठता। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और रामलीला मैदान का नाम बदलने का सवाल ही नहीं उठता है। अब किसी व्यक्ति ने ऐसा कह दिया ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब थोड़ी है कि आप उसको सारी दुनिया में ऐसे चला दो और सब लोग उस पर बयान देने लगे। मैं आपको ये आधिकारिक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है और रामलीला मैदान का नाम बदलने का सवाल नहीं उठता। दर्शकों को बता दें कि साल 1930 में ब्रिटिश सरकार ने इस मैदान में रामलीला करने की आधिकारिक अनुमति दी थी। साल 1963 में लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों गाना रामलीला मैदान से ही गाया था। साल 1965 में तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान नारा रामलीला मैदान से ही दिया था। साल 1977 में आपातकाल हटने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने रामलीला मैदान में ऐतिहासिक भाषण दिया था। अब अटल जी के निधन के बाद जब देश भर में बीजेपी अस्थि कलश यात्रा निकाल रही है, योजनाओं का नाम अटल जी के नाम पर रख रही है, तब दिल्ली में इस पर राजनीति शुरू हो गई। फिलहाल बीजेपी में इस मुद्दे पर दो राय दिख रही है, लेकिन जैसे विवाद शुरू हुआ लगता है बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी, क्योंकि मामला भगवान राम से जुड़ गया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।